आपका नाम? अनुज सैनी। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं उमरपुर का रहने वाला हूँ जी। मैंने अपने पत्नी के नाम से बहनावा लिया था। अच्छा, महावीर जी है सड़बर के, उनकी जमीन थी हमारे गांव उमरपुर में शेखों के पास। मैंने वहाँ मैंने बहनावा लिया 886 मीटर का। तो जैसा कि हम वहाँ हमने बहनावा लिया, बहनावा लेने के बाद हम HM साहब के पास गए। HM साहब हमारी वो टीम बनवा के हमें वहाँ कब्जा दुआ दो, जबकि उससे पहले वहाँ खाली पड़ी थी। वहाँ यूनिसन ऑफ हनीफ है, उसने अरे यहाँ उस्मान कासमी है प्रधान, उसका भाई है फरमान, इन्होंने वो वहाँ गड़बड़ी करके रात को रात दो दिन की एक दिन तो संडे था और बार वाले दिन वह बूथ का कोई कार्यक्रम था, तो पटवारी साहब वहाँ जा नहीं पाए। उन दो दिन के अंदर रात को उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। आज हम गए लेखराज जी थे, SI साहब, कानूगो साहब थे, पटवारी जी थे, 10-20 यानी कि पुलिस वाले थे वहाँ। जैसे हम वहाँ गए, उनके कागज देखे, उन पर कोई कागज नहीं मिला, हमारे पास बिल्कुल पक्का सबूत था। पटवारी जी सब कहने गए, जब इन पर सबूत है भाई, इन पर पक्का है, खाली करो, जब बना हुआ है हमारे पे, थारे पे कुछ नहीं है, खाली करो। जैसे हमने कब्जा लेने की कोशिश करी, तो फिर उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। पथराव करने के बावजूद जब पुलिस वालों ने रोका, फिर उन्होंने फायरिंग करी। फायरिंग हुई जी, हाँ पक्का। यानी तुम्हारे जो बहनावा तुम्हारा नाम था? बहनावा मेरी पत्नी का नाम है, संगीता देवी। तो किस वजह से, आगे क्या मामला गया? तो मामला कुछ नहीं है, हमने बहनावा लिया बस। जब वो दो लोगों के बीच में हुआ है, एक ही जमीन को, उमरपुर में एक जमीन थी, एक महावीर करके आदमी था जिसकी वो जमीन थी, उसने एक लोगों से पैसा ले लिया था, लेकिन उसको लिखा पढ़ी नहीं करी। और दूसरे आदमी को अभी उन्होंने 11 तारीख को, नवंबर में ही 9 तारीख को वो बहनामा कर दिया। जो बहनामा लेने वाले जमीन वाले अपना कब्जा लेने गए, तो उसी में उन लोगों के बीच में वो हुआ है। और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, अमर सिंह साहब मौके पर हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। सर कितने लोग घायल हुए थे? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई इस टाइप की बात नहीं आई है। और एक ही जमीन को दो लोग अपनी अपनी बता रहे हैं, एक के पास बहनामा है, एक के पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? कोशिश की जा रही, वार्ता कर रहे हैं हम लोग और समझाने का प्रयास कर रहे हैं।